हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बीएससी थर्ड ईयर। अभी हम जो है सेकंड पार्ट कर रहे हैं, केस सेकंड, कौशी रीमान समीकरण का। ठीक है, तो देखिए जरा, हमारे पास केस फर्स्ट तो ये हो गया था कंप्लीट। हम केस सेकंड बात करें, यानी कि हमारे पास जो टर्म है, ठीक है, जो भी हमारे पास टर्म है वो वाई अक्ष की तरफ बढ़ के, ठीक है, वाई अक्ष की ओर अक्सर होगा शून्य होगा वाई, जब जो जेड है वो वाई अक्ष की ओर से शून्य की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो यहां पर डेल जेड बराबर आयोटा डेल वाई एंड डेल जेड बराबर डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल जेड बराबर क्या आयोटा डेल वाई, तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। देन एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, डेल जेड की जगह पर लिखना है एड डेल वाई, तो ये जाएगा यू ऑफ एक्स ऐसे कैसे वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, प्लस आयोटा u ऑफ x y प्लस डेल y और माइनस के v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यहां पर मैं दोनों टर्म को ऐसा ले लिया और आयोटा कॉमन ले लिया, एक साथ मैंने काम यहां पे कर दिया और नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा डेल y, क्योंकि डेल x प्लस आयोटा डेल y होता है, तो डेल x की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब ये हो जाएगा f डैश z लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो और एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस के एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, एफ जेड इसके बराबर होता है। अब यहां पर जो है लिमिट लगाता हूं मैं दोनों तरफ, तो लिमिट यहां पर क्या लगेगी, डेल वाई टेंस टू जीरो लगेगी और ऊपर देख क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स वाई में एक्स वैल्यू तो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, ये एक तरफ तो हमारे पास क्या है, v है। ठीक है, v ऑफ x प्लस डेल x और इंटू में y है, तो यहां पर देखिए आप, यहां पर ये है v y टर्म। ठीक है, आठ दोनों तरफ होगा, तो डेल y टेंस टू जीरो v ऑफ x y प्लस डेल y माइनस के वी ऑफ एक्स वाई। फिर स्टार्टिंग वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, एक्स की टर्म जीरो जाएगी ना, तो ये जीरो, इधर भी जीरो, यहां पर क्या बचेगा, वी ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, माइनस वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई और इसमें क्या बचेगा, प्लस आयोटा है, ये आयोटा से आयोटा हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस की टर्म आ जाएगी बाहर, तो माइनस के आयोटा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो देन यू ऑफ एक्स वाई वाई प्लस डेल वाई माइनस के यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, यहां पर तो क्या है, यू है ये। ठीक है, इस यू में तो क्या है, ऐसे कैसे रहेगा, आयोटा से आयोटा कट गया, इसके नीचे से क्या आ गया, डेल वाई, और इसके नीचे मैं आयोटा लगाया तो आयोटा नीचे ना होकर ऊपर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो वही आ गया टर्म माइनस के आयोटा यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस के यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, आगे तो यू है दोनों तरफ, इधर पीछे वी, तो नीचे क्या आ जाएगा, डेल वाई। क्लियर, तो स्टार्टिंग में टर्म तो हो गई वी वाली,
उसको मैंने पहले ले लिया है, ठीक है, क्योंकि आटो से आटो कट जाएगा ना, माइनस टर्म को मैंने बाद में लिख दिया। तो एस वाई प्लस डेल वाई माइनस के एक्स वाई, और नीचे में डेल वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू ऑफ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, खाली वाई प्लस डेल वाई की टर्म रहेगी। तो एफ डॉट जेड क्या हो जाएगा, हम पे डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस के आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, क्लियर। क्लिकर नहीं, इसकी टर्म तो क्या बन जाएगी, डेल वी, डेल वी है टर्म, डेल वी अपॉन डेल वाई, जब लिमिट डेल वाई टाइम से 0 लगेगा तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस के आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 दोनों किसी बराबर है, एफ डॉट जेड के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक गुणांक और काल्पनिक गुणांकों की हम कल्पना कर तुलना करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, है ना। समीकरण नंबर 1 क्या कहता है कि एफ डैश जेड बराबर क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि एफ डैश जेड बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस के आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस के आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो आयोटा वाले टर्म को अलग कंपेयर करेंगे और जो नॉर्मल टर्म है उसको अलग कंपेयर करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये हमारे पास जो संबंध आया है इसे हम कॉची रीमान समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इस संबंध से ही आपके पास प्रॉपर जो है विश्लेषिक फलन होगा या नहीं, वो फंक्शन जो है फलन विश्लेषिक होगा या नहीं वो पता हमें चल जाता है, ठीक है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब क्या है कि वो फलन जो है विश्लेषिक है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z एक विश्लेषिक फलन है, ठीक है, विश्लेषिक फलन है या नहीं ये आपको बताना है। तो देखिए एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, 1/z में यानी 1/x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको एक्स माइनस आयोटा वाई से ऊपर नीचे, ठीक है ना, जेड की वैल्यू ये होती है। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ रहा है, तो ये हो जाएगी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि टर्म क्या बन जाएगी, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, जहां पर यू का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो वी की वैल्यू है वो जाएगी माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिक्कत नहीं, हम बाकी जो टर्म है वो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, हमें किधर क्या निकालना है, जो फंक्शन हमें मिल गया है पहले यू अभी निकाल लिया, पहले इस तरह से सॉल्व करेंगे, यू अभी की में चेंज करेंगे, ठीक है। यू अभी में चेंज करने के बाद हम क्या निकालेंगे, एक बार निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि यू के सापेक्ष, यू का एक्स और वाई के सापेक्ष करेंगे और वी का भी एक्स और वाई के सापेक्ष करेंगे, दोनों के सापेक्ष करेंगे यहाँ पे हम अवकलन। तो पहले हम निकाल लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये क्या होगा। तो देखिए किसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है, इसका ना ये टर्म तो हम पहले भी
एक्स के सापेक्ष करना है तो यू अपॉन वी से करते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका करेंगे हम तो एक्स का करते हैं वन और ये टर्म ऐसे कैसे, और फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एक्स ऐसे कैसे, और नीचे टर्म का करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स इंटू में क्या आ जाएगा टू एक्स, ठीक है। यानी कि टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पे क्या है माइनस के टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर में से हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के बचेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बताइए कोई दिक्कत। और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई, इसमें भी ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा होल स्क्वायर और ऊपर क्या बचेगा डेल यू अपॉन डेल वाई में, देखो ये रहा माइनस तो बाहर है ही हमारे पास, पहले से हमारे पास वाई का वाई सपेश कर रहे हो तो वाई सपेश ऊपर का क्या हो जाएगा वन वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर लगेगा चिन्ह किसका माइनस का, और वाई का क्या हो जाएगा वाई का तो हम छोड़ेंगे और नीचे इसका हो जाएगा टू वाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा टू वाई। तो अब देखिए अभी माइनस के टू वाई स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर कितने बचेंगे, वाई स्क्वायर बचेगा माइनस का, माइनस के बाहर एक्स स्क्वायर, माइनस के बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो माइनस के अंदर ले लो तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। हमने क्या निकाला डेल अपॉन डेल वाई का निकाला था, हमें यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई का निकाल लिया, वी का हमने लिया था ना, तो ये डेल वी अपॉन डेल वाई है, हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो वी का करेंगे वाई के सापेक्ष, तो नीचे वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब कैसा कर रहे हो वाई के सापेक्ष कर रहे हो इसका, तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। माइनस नीचे टर्म का होगा खाली क्या होगा टू वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर टू वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला एक्स है वो बचेगा, ये बचेगा टू एक्स वाई किसके माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स एक्स के सापेक्ष, इसका करेंगे हम एक्स के सापेक्ष वी का, तो वी सापेक्ष करोगे तो ऊपर करोगे वाई टर्म का करोगे तो वाई का तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वाई का जीरो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस इसका करोगे आप तो माइनस ऑलरेडी बाहर है ही, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है एक ये वाला माइनस हो जाएगा फॉर्मूले वाला, वाई को छोड़ोगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा टू एक्स, ये टर्म क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो आप देख लीजिए ध्यान से तो कोर्स देख लीजिए जो हमने काम किया है उसमें, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान जो है वो और डेल वी अपॉन डेल वाई का जो मान है वो तो सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई यही चीज था, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल एक्स जो टर्म आ रही है वो डेल यू अपॉन डेल वाई में क्या आ रही है माइनस की आ रही है सेम, तो हमारे पास यानी कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट कर रही है, ठीक है। तो मतलब क्या है कोशी रीमान समीकरण जो है वो संतुष्ट कर रही है, तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं ये डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर है माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स।
है माइनस से कहीं लगा दो, चाहे इधर माइनस लगा दो उधर लगा दो, बात एक ही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यह फलन जो है सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यह एनालिटिक फंक्शन हो गया, एनालिटिक फंक्शन। तो इतना सिंपली आपने एनालिटिक फंक्शन को प्रूव कर दिया, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं, खाली कौशी मान समीकरण को हमने संतुष्ट कराना था, लेकिन आपने ध्यान में नोटिस करी कि आपने जो है ये काम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, लेकिन मिड टर्म के कैसी आपको आकलन करना आना चाहिए, और चाहे मैं पहले किया हो या नहीं किया हो, अब तो हमको सीखना सीखा हुआ ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कोई सवाल आ जाए, पहले आप यहाँ पर उसको एक्स वाई में चेंज करेंगे, और एक्स वाई में चेंज करने के बाद आप इसका कौशी रिमान समीकरण को निकालेंगे, और कौशी रिमान समीकरण संतुष्ट करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन हो जाएगी, अगर नहीं करता है तो नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और ले लेंगे जिसमें कौशी रिमान समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, फिर हम इसका ध्रुवीय रूप निकालेंगे और कार्तीय रूप भी। ठीक है, अगर हमने इसमें आर और थीटा रूप निकाला था तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज से इतना ही, थैंक यू।